नए स्टार्स के कुछ और ही हैं मिजाज, कुछ अलग है इनके अंदाज। रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर, परिणीति चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट या वरुण धवन, इनके बीच नहीं है कोई जेलेसी। देखा जाए तो कंपेटिटर्स होने के बावजूद ये हैं एक दूसरे के फ्रेंड्स। बी टाउन की न्यू जनरेशन बन गई है एक पहेली, नहीं है इनके बीच कोई राइवलरी। वहीं फिल्म करियर की शुरुआत करते ही रातों रात ये लाखों से पहुंच जाते हैं करोड़ों तक। बॉलीवुड में न्यू टैलेंट्स जितना दिखाते हैं अपना जौहर, उतनी ही बढ़ती है उनकी शोहरत। शुरुआत में ये भले ही एक फिल्म के लिए एक छोटा अमाउंट लेते हैं, लेकिन उनकी फिल्म के हिट होते ही बढ़ती है इनकी पब्लिक डिमांड और फिर महज कुछ लाख लेने वाले एक्टर्स शामिल हो जाते हैं करोड़ों की क्लब में। कई बार तो कुछ हिट फिल्म्स देने के बाद एक्टर्स अपनी करंट फीस से दुगनी फीस की डिमांड भी करते हैं। एंड लुकिंग एट देयर बॉक्स ऑफिस सक्सेस, दे आर पेड देयर डिमांडेड प्राइस। रिपोर्टेडली अगर आज किसी स्टार की फिल्म सक्सेसफुल होती है तो वो करीब 70 लाख से 1 करोड़ तक चार्ज कर सकता है। शायद इसलिए आज परिणीति चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुशांत सिंह राजपूत और वरुण धवन जैसे स्टार्स 75-1 करोड़ पर फिल्म चार्ज कर रहे हैं। आफ्टर ऑल इन स्टार्स की पॉपुलैरिटी एक ही फिल्म से बढ़ी है, जिसकी वजह से इनकी प्राइस भी बढ़ी है। परिणीति ने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दी हैं। वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा शॉट टू फेम विथ जस्ट वन फिल्म। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की अभी तक की दोनों फिल्म्स काई पोछे और शुद्ध देसी रोमांस ने अच्छा काम किया है। सक्सेसफुल फिल्म्स देने और फेम के मामले में रणवीर सिंह काफी जल्द आगे बढ़ गए हैं और शायद इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी और टैलेंट ही है कि आज वो एक फिल्म के लिए करीब 6 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। Amongst the girls, Sonakshi Sinha and Anushka Sharma are encashing on their respective box office success and are apparently now charging about 2 crores per film. Yani aaj jiski ek film ko mil jati hai success, wo demand kar sakta hai in excess. सिमी, आखिर किस वजह से न्यू कमर्स की प्राइस रातों रात बढ़ जाती है? आजकल जो बजट्स हैं बॉलीवुड के वो बहुत ही बड़े हो चुके हैं, तो पहली बात तो जो आजकल के 100 करोड़ हैं वो 200 करोड़ और 300 करोड़ हो गए हैं। सो वी शुड नॉट हैव बजट्स लाइक दैट। तो उसके हिसाब से जो न्यू कमर्स हैं उनकी भी रेन्यूमरेशन बढ़ गई है। Also, do not forget that this is directly related to how they market themselves. So, aajkal ke jo newcomers hain like Ranveer Singh, Aditya Roy Kapoor. Of course, Ranveer Singh is no longer a newcomer. But if you look at the way they have packaged themselves, they're very smart about the way they package themselves, about the way they promote themselves. And it's all about how you go about presenting yourselves. And it just takes you one hit and you are worth crores, and overnight from a few lakhs you're worth a few crores and that you're there. तो यहाँ पे कुछ हिसाब किताब समझ नहीं आता है, लेकिन एक हिट के साथ आप करोड़ों के हो जाते हो, लेकिन उसके बाद कई फ्लॉप आती हैं लेकिन आपकी प्राइस नीचे नहीं जाती है। लेकिन क्या ये फेयर है कि एक ही हिट के बाद आप रातों रात इतना ज़्यादा चार्ज कर लेते हो? लेकिन हु सेज़ बॉलीवुड इज़ अ फेयर गेम? यहाँ पर लाखों लोग जुआ खेलने आते हैं एंड वो ये शायद रिस्क लेते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पर डाल दूंगा एंड आई माइट मेक इट, आई माइट नॉट मेक इट, मैं शायद पढ़ूंगा भी नहीं और मैं और कुछ भी नहीं करूँगा और अगर मेरी ज़िंदगी लॉटरी निकल गई मेरी ज़िंदगी की तो निकल गई एंड इफ नॉट देन आई विल बी लाइक मैनी ऑफ द अदर स्ट्रगलर्स हु विल कीप ट्राइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो आई थिंक इट्स अ रिस्क दे आर विलिंग टू टेक and if they make it then it's worth it. Simi, while we are on the subject of the new generation, inki dosti ke bare mein aapka kya khayal hai? Because is it all real, is it all true, is it genuine? It seems like that, right? But agar aap mujhse puche, for my opinion, बॉलीवुड में कोई भी सच्ची दोस्ती नहीं होती है। तो मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि ये जो न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स है इनमें कोई सेंस ऑफ राइवलरी नहीं है और इनकी दोस्ती बहुत ही सच्ची है और ये बहुत ही फ्रेंडली हैं और ये अपनी राइवलरी बीच में आने नहीं देते हैं एंड दे वेरी चिल्ड आउट। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिकॉज यू नो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड एंड इट्स बाउंड टू हैपन दैट दे आर गोइंग टू सी ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू डेट अमंगस्ट देमसेल्व्स।
तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, यू नो, बिकॉज देर आर जस्ट सो मेनी पीपल, सो दे आर गोइंग टू डेट ईच अदर, दे आर गोइंग टू ब्रेक अप विद ईच अदर, एंड दिस वन इज गोना बी डेटिंग दिस वन, एंड देन दिस वन इज गोना बी डेटिंग दैट वन. सो यू नो राइट नाउ दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. So, itna competition hai nahi hai because they're all just about one or two films old. But jaise hi success badhega, to ego bhi badhega aur insecurity bhi badhegi. Aur jaise hi ye 1-2 crore se 100 crores mein jayenge, to lalach aur ego jab badhta hai, to insecurity bhi badhti hai. And that's when will be the real test, the litmus test as they call it, for their friendship. And when you go to the top, then it really gets lonely, and there is no such thing called friendship in Bollywood anywhere. And even Amitabh Bachchan and Shatrughan Sinha at one point used to be real good friends. Yeah. But here, main nahi maan sakti hoon ki yahan par dosti sachi hoti hai. It can be possible to an extent between a director and an actor. Mm-hmm. But if you say that two people with potential sense of competition and rivalry are good friends, I do not believe it. I completely agree with you.